गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों आज मैं क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चल रहा है चैप्टर दैट इज द रिसेंट चैप्टर विच इज गोइंग ऑन, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आज से जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। हम देखेंगे पहले डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिर इसके बाद एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें। तो इनमें जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है दैट इज न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करेंगे इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो हमने पढ़ा था, जैसे कि आपने अमीबा में पढ़ा, पैरामीशियम में पढ़ा, कि द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा इन केस ऑफ पैरामीशियम इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वहीं पे मैंने इशारे इशारों में आपको बताया था कि यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके अंदर में भी पाया जाता है, यानी आप और मैं दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स ही तो है, तो हम दोनों के अंदर में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। होलोजोइक कंटेन करता है बेसिकली 5 प्रोसेसेस। पहला होगा बेटा जी इंजेशन, दैट इज टेकिंग इन ऑफ फूड। हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाना होता है उसको हैंड से पकड़ते हैं और मुंह में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टेकिंग इन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ। तो पहला जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। थर्ड दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन। यहां हम लोग देखेंगे डाइजेशन आपकी बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ डाइजेशन आपके कहाँ होगा, स्टमक में होगा, कुछ डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, देखेंगे एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन भी कुछ क्या होगा बेटा, आपके यहीं बगल कैविटी में भी होगा, कुछ आपके ऑब्वियसली स्टमक इंटेस्टाइन देखेंगे। फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने पहले ही बताया था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता है तो ये सिंपल फूड में टूटता है ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब कोई भी फूड एब्जॉर्ब होता है बाय द ब्लड और लिम्फ के अंदर में, यानी कोई भी फूड है ब्लड और लिम्फ के अंदर में घुसेगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ओके, और एसिमिलेशन यानी अभी ब्लड के थ्रू होते हुए ईच एंड एवरी सेल के पास में जाएगा। जब ये ईच एंड एवरी सेल के पास में जाएगा ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उसको यूटिलाइज करेगा हर सेल, उसका रेस्पिरेशन करेगा और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द सेल इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड देन दैट विल बी द इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो वो रिमूव होंगे बाय द एनलोस एंड द एनस। ओके, एज वी नो दैट कि भैया फूड सबको चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, एवरीबॉडी को चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा फूड के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें तभी मिलेंगी जब हम फूड को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। तो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि बेटा जी इट हेल्प करता है इन किस चीज में बेटा, एक तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, एंड इट विल प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ में मदद करेगा। या कहीं पे कट लग गया, सपोज करो यहाँ कट लग जाता है तो क्या वो गड्ढा भरता नहीं है, भरता है, रिपेयरिंग में भी मदद करेगा आपका क्या बेटा, फूड मदद करता है। ठीक है, सो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, देखते रहिए, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है और मिनरल्स हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया बेटा डे टू डे वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम किसी खाने को खाएंगे यानी फूड को खाएंगे तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, देखिए दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, पहले तो ये सुन लीजिएगा, आप हमेशा देखते होंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और कुछ समझ में नहीं आता होगा कि ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है। सुनिएगा आज आपको दोनों बातें समझ में आएंगी। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल कहीं पे भी लिखा हो, ओके,
और दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए कोई भी एलिमेंट हो अगर उसके अंदर में कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। सो एनी एलिमेंट दैट इज हैविंग कार्बन, जिसके अंदर में कार्बन होगा इन देम, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर्मूला होता है C6H12O6, देखिए C6H12O6, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको कहेंगे जिसके अंदर में कार्बन पाया जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो होता है C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल, एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं होगा, विच डज नॉट हैव कार्बन, जिसके अंदर में कार्बन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए वाटर, वाटर को देख लीजिए H2O H है, ऑक्सीजन है, लेकिन बेटा कहीं पे कार्बन नहीं है, तो ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। या फिर और भी देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई भी कार्बन है नहीं है, तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल। कोई और देख लीजिए SO4 सल्फर, ओके SO4 यानी कि S है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कहीं पे कोई कार्बन नहीं है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, और जिसमें भी कार्बन होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। सो फूड बेसिकली प्रोवाइड करता है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए जब आप फूड खाओगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है बेटा जी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर देखिए C6H12O6, तो कौन सा मटेरियल होगा? ग्लूकोज ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो याद रखिएगा कि फूड जो होता है एक तो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी देता है फॉर जिसके अंदर में कार्बन होगा, और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ, जो मदद करता है ग्रोथ के लिए, और रिपेयर ऑफ टिश्यू, कहीं पे कट लग गया, कहीं पे कुछ लग गया तो उस टिश्यू को फिर से रिपेयर करना है, तो भी फूड ही मदद करता है। अब हम देखेंगे बेसिकली बेटा, आप देखेंगे जो डाइजेशन होगा इसके अंदर में वाटर का भी अहम रोल होता है। बेसिकली अगर देखोगे जब आप 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 70-90% हिस्सा जो है किसी भी सेल का, सपोज करिए ये कोई सेल है, इसके सेल का 70-90% एरिया या 70-90% जो होता है वो ऑक्यूपाइड होता है वाटर के द्वारा, किसी भी एक सेल के अंदर में, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जो भी होगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर में होते हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस को अकर करते हैं, तो सेल के अंदर में भी होगा, जितने भी प्रोसेसेस होंगे उसमें वाटर क्या करता है? अहम योगदान प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी भी सेल के अंदर में 70-90% यही होता है। सो वाटर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आपका कुछ भी आ सकता है, एक्सक्रीशन आ जाए, डाइजेशन आ जाए, एब्जॉर्प्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, रेस्पिरेशन हो जाए, सब में ये मदद करेगा। और बेसिकली कई बार अगर आपने देखा होगा कि बेटा आपको डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे मान लीजिए पानी की कमी हो गई, हो जाता है कभी कभार, आप जा रहे हैं बाथरूम जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो बेटा हो क्या रहा है? बॉडी का जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो जाता है? कहता है आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहता है अरे जल्दी जल्दी इनको बोतल चढ़ाओ, क्योंकि इनको पानी की क्या हो गई है? कमी हो गई है। और सलाइन वाटर आपको चढ़ाता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाल के चढ़ाता है, तो ये पानी क्यों चढ़ाता है? क्योंकि आपको हो गया है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई है। तो बेटा जी अगर वाटर आपके बॉडी में रहेगा तो डिहाइड्रेशन कभी नहीं हो सकता है। सो वाटर प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। नाउ अब आ जाते हैं बेटा जी जो
हम कोई भी फूड खाएंगे, सुनिएगा, देखिए बेसिकली हम जो फूड खाते हैं, जैसे मान लो रोटी खाया, चावल खाया, ये जो भी हम खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, ये एज इट इज हमारे सेल के अंदर में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ रोटी, रोटी जो है उसकी साइज जो है सेंटीमीटर में है, और जो हमारा सेल है वो माइक्रोमीटर में है, 10^-6 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में है, 10^-6 सेंटीमीटर या अगर कह लो माइक्रोमीटर में है, तो आप रोटी का डायमीटर बड़ा है और सेल एकदम छोटा है, तो छोटी सी जगह पे मान लो सेल इतना छोटा है और तुमने इतना बड़ा चीज खाया, तो ये सेल के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुस सकता। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स रोटी को तोड़ना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए कि इस सेल के अंदर में घुस जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए जनरली जो भी चीजें हम खाते हैं वो होते हैं बेसिकली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज लिविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि प्रोटीन। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कौन कौन से आएंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेक्राइड होगा और लिपिड होगा, लिपिड या फैट कहते हैं। तो ये बेसिकली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके फूड के अंदर में पाए जाते हैं। यानी जब हम फूड खा रहे हैं तो बेसिकली क्या ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो या फिर न्यूक्लिक एसिड ले रहे हो या लिपिड ले रहे हो। तो इन फूड इट कैनॉट बी यूटिलाइज बाय योर बॉडी, ये एज इट इज फॉर्म में, जिस फॉर्म में रहते हैं उस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी इसको तोड़ना, सिंपल फॉर्म में तोड़ना, तो किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाएगा? डाइजेशन। तो देखिए एक पॉइंट दे रखा है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कौन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। इन फूड कैनॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ये कभी भी यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, तो ये क्या होगा बेटा, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। और ये काम होता है हमारे बॉडी के किस सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब सुनिएगा जो मैंने ये चीजें बोली यहाँ पे लिखी है, सपोज करिए, देखिए कई बार आप पढ़ेंगे कि बेटे देखो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड, या अगर मैं बोलूं 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, ध्यान से सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो बेटा जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये कहलाती हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, और जो इनके इनसे मिलके बनी हुई है जो प्रोटीन बना है ये क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो जब आप खा रहे हो तो आप खा रहे हो प्रोटीन, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये बेटा उसी हिसाब से आपकी सेल में नहीं जा सकता, तो इस प्रोटीन को मुझे तोड़ना पड़ेगा, किसमें बेटा, अमाइनो एसिड में, जो कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। फिर अगर आप बात करो न्यूक्लिक एसिड की, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड, देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड बनता है ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाके बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड एक क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कभी भी हमारी सेल के अंदर में नहीं जा सकता, तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होगा इसका सिंपल
फॉर्म है, सिंपल फॉर्म, ओके। उसी तरह से बेटा जी, जब बहुत सारे सुगर्स मिलते हैं, जैसे उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सुगर को बोला जाता है पॉलीसेकेराइड, क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो बनता है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड के मिलने से बनेगा, मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब जाके बनता है बेटा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये मोनो मोनो क्या है, सिंपल सब्सटेंस। तो हमें इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ना होगा किसमें बेटा, ऑब्वियसली सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि ये एज इट इज यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पे जो चीजें दे रखी है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इस साइड में मैंने सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिखे हैं, ठीक है, जो आप आपको कहां से मिलेगा, ये बेसिकली आपको मिलेगा फूड में, जब आप फूड खाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इनका कन्वर्जन होगा सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में देखते हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ओके। तो ये जब प्रोटीन टूटेगा तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, अमाइनो एसिड, क्योंकि ये बनता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड के मिलने से। फिर न्यूक्लिक एसिड, अभी बताया था न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मुझे इस न्यूक्लियोसाइड टाइप को किसमें तोड़ना होगा, सॉरी न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ना होगा, न्यूक्लियोटाइड में। फिर मैंने बोला जब बहुत छोटे छोटे शुगर्स मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। तो पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स है जो हमारे खाने में है, तो इस पॉलीसेकेराइड को मुझे तोड़ना होगा किसमें बेटा, मोनोसेकेराइड में। उसी तरह से जो फैट है या लिपिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा तो ये टूटता है बेटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और ये जो डाइजेशन होता है इट इज कैरिड आउट बाय द टू प्रोसेस, एक होगा मैकेनिकल प्रोसेस, जहां पे हम लोग फूड को मैकेनिकली ब्रेक करते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ द टीथ, टीथ की मदद से। जैसे आप खाना खाते हो उसको क्या करते हैं, चीविंग करना, चाक दबाते हैं खाते हैं, तो ये चीविंग जो होता है, चीविंग ऑफ फूड या मेस्टिकेशन ऑफ फूड या ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो होता है, ये बेसिकली टीथ की मदद से होता है। तो जब आप उसको ग्राइंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल प्रोसेस। और फिर सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिकल मेथड्स, यानी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है बेटा, कुछ एंजाइम्स होती हैं वो उसको कन्वर्ट करती हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। जैसे कि डाइसेकेराइड है तो डाइसेकेराइडेज होगी, न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइडेज होगी, प्रोटीन है तो प्रोटीएज होगी। ये बेसिकली एंजाइम्स होती हैं जो इनको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स फूड, सब्सटेंस या फूड कुछ भी कह सकते हैं, इंटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड, जहां पे हम लोग सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में तोड़ेंगे इसको, इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इसी को हम कहते हैं बेटा जी डाइजेशन, एंड इट इज कैरिड आउट बाय कौन सा प्रोसेस, पहला होगा मैकेनिकल प्रोसेस, यानी मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस यानी बाय द हेल्प ऑफ टीथ, लिख लीजिएगा मैकेनिकल बाय द यूज ऑफ टीथ की मदद से, एंड बहुत सारे इंजाइम्स भी
ब्रेक डाउन में मदद करती हैं एंड बायोकेमिकल मेथड्स, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स। बहुत सारी इंजाइम्स होती हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है टूटता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में, इसी को डाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज कैरीड आउट बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, यानी टीथ के प्रेजेंस में होगा, एंड बायोकेमिकल मेथड्स, यानी कि बहुत सारी इंजाइम्स भी इसमें मदद करती हैं। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्निपशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, देखते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनिएगा, जो ह्यूमन के अंदर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर में दो चीजें आपको ध्यान कर रखनी है। देखिए, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो चीजों से मिल के बना हुआ है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज मेड अप ऑफ द टू थिंग्स, बिकॉज बेटा किसी किसी बुक में आप देखोगे तो केवल लिखा होगा इट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन बेटा एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है। सुनिएगा, इस एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं बेटा, कुछ ना कुछ सिक्रेट करती हैं, और ये चीजें मदद करती हैं किस चीज में बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो दो चीजों से मिलकर होगा, पहला होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स मदद करेंगी डाइजेशन में। सो आई एम explaining that the human digestive system consists of, पहला होगा बेटा जी elementary canal, पहला तो होगा elementary canal, and the second associated glands, या इसी को हम लोग बोलते हैं digestive glands। कौन सी gland? Digestive glands that help in digestion, जो मदद करेंगी digestion में। For example, जो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमको पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगी, यानी इनसे कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो आपके चीक वाले रीजन में, यानी गाल वाले रीजन के आसपास में रहती हैं, और ये सलाइवा को सीक्रेट करती हैं जो आपके बकल कैविटी में आएगा और अपना फंक्शन करेगा, देखेंगे हम। सेकेंड दैट विल बी द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दीज आर द ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन द स्टमक। देन पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, लीवर से बाइल जूस निकलेगा, ये भी मदद करता है बहुत सारी चीजों के डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी हो गई, पहला सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड पैंक्रियाज इज आल्सो अ ग्लैंड, एंड लीवर इज आल्सो अ ग्लैंड। ओके जी, लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिएगा, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर में कंप्लीट है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके अंदर में एक ओपनिंग हो इंजेशन के लिए और दूसरी ओपनिंग हो इजेशन के लिए, यानी एक जगह से वो खाता हो खाना और किसी और जगह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव आउट करता होगा फीकल मैटर का, तो उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम देखते हैं एस्केलेमेंथिस, प्लेटिलेमेंथिस के आसपास में, बेसिकली उससे पहले वाले जितने भी होंगे, आप पढ़ोगे 11 12 में, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की तरह, और वहीं से इंजेशन भी होता है और इजेशन भी होता है, यानी खाते भी वहीं से और निकालते भी वहीं से, तो सिंगल ओपनिंग, उसके अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन हमारे अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट है। सो एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, दो एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होगी। पहला एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस करता है, कहां से स्टार्ट करेगा, माउथ से। तो माउथ के अंदर में हम लोग खाने को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। सो इट बिगिंस विद द माउथ, तो जो एंटीरियर ओपनिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माउथ। क्या बोलते हैं, माउथ, जहां से फूड को इंटेक किया जाता है, फूड खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। और एलिमेंट्री कैनाल एंड होगा, खत्म होगा, दैट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग, यानी ये जो ओपनिंग ये सामने की तरफ है तो एंटीरियर ओपनिंग, एनस जो होगा वो पीछे की तरफ होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर ओपनिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड होगा कहां पे बेटा जी,
एनस पे, कहां एनस पे, दैट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग, और ये किस चीज में मदद करेगा, इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड और फीकल मैटर होगा उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एनस। तो याद रखिएगा एंटीरियर ओपनिंग माउथ होगी, पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होगा, माउथ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और खत्म होता है एनस पे, स्टार्ट कर लीजिएगा। माउथ इंजेशन में मदद करता है, एनस इजेशन में मदद करेगा। नाउ माउथ से जब आप आगे जाओगे, जैसे ये मेरा माउथ हो गया, माउथ से जब आप आगे जाओगे आ करके देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी। देखिए ये एक जो मूवेबल क्या है, टंग, और ये सफेद सफेद से टीथ आपको दिख रहे होंगे। सो माउथ जो होगा, जब आप माउथ के अंदर में घुसेंगे तो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बकल कैविटी और ओरल कैविटी। सो माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, और इस बकल कैविटी या ओरल कैविटी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये साइनिंग करते हुए टीथ और दूसरा जीभ लपलपाती हुई जीभ। सो ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, यानी ये जो टीथ होगी ये किस चीज से बनी होगी बेटा, मसल से बनी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर टीथ। बना भी दिया, बकल कैविटी में दो चीजें हैं, टीथ और टंग। अब देख लीजिए जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जो हमें पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगा कहाँ से, माउथ से, जो कि उसकी एंटीरियर ओपनिंग होगी, क्लियर है जी। दूसरा सेकेंड दैट इज द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। थर्ड जब इससे आगे बढ़ेंगे तो एक पाइप होती है जिसको फूड पाइप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूओडेनम, जेजनम एंड इलियम। पहला पार्ट होगा ड्यूओडेनम, दूसरा होगा जेजनम, तीसरा होगा इलियम, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंटेन्स सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। और लास्ट वाली ओपनिंग अगर लिखना चाहें तो अभी तो लिखा था एनस, ये भी क्या होगा, यहां से इजेशन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्नैपशॉट ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, और नोट्स बनाते रहिए। चलिए बेटा जी अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन टीथ को पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ बनाऊंगा, आप भी साथ साथ में बनाते रहिएगा, और जो भी चीज होगा डाटा हम यहाँ पे कलेक्ट करते रहेंगे। तो देखिए दो ह्यूमन टीथ होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री पार्ट्स। देखिए ह्यूमन जो टीथ है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होगा क्राउन, सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे दैट विल बी द नेक, एंड थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द रूट। ठीक है जी, तो हमारा जो टीथ होता है जब आप ध्यान से देखोगे ये जो टीथ है ये हिलता डुलता नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांगली, ये जो नीचे जो बोन है इसको बोलते हैं बेटा जॉ बोन, अपर जॉ लोअर जॉ, तो ये जॉ में पूरी तरह से फिक्स होता है, एकदम अटैच होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं बेटा जी क्राउन। क्या बोलते हैं बेटा जी, क्राउन। और जो क्राउन का क्राउन एरिया बोलते हैं, और इसका जो अपर सरफेस होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये एनिमल वर्ल्ड में इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता है। सो क्राउन का जो अपर पार्ट होगा इट इज मेड अप ऑफ इनेमल, इनेमल से बना होगा, जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस पाया जाता है पूरे एनिमल वर्ल्ड में, इससे ज्यादा कोई हार्ड चीज हो ही नहीं सकती। तो सुनिएगा, पहला आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा क्राउन एरिया, पहला कौन सा एरिया है क्राउन एरिया, तो ये आउटर पार्ट जो होगा क्राउन का वो किस चीज से कवर्ड होगा, इनेमल से। आउटर पार्ट ऑफ
क्राउन इज कवर्ड विथ इनेमल। ठीक है, अब ये इनेमल की विशेषता है, थोड़ा आप जान लीजिए। ये सबसे ज्यादा जो ये सफेद पार्ट दिख रहा है, व्हाइट शाइनी पार्ट दिख रहा है टीथ में, यही है तो है इनेमल। तो इनेमल क्या है बेटा जी, व्हाइट शाइनिंग और व्हाइट शाइनिंग पार्ट ऑफ टीथ, जो चमकता हुआ व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है वही क्या कहलाता है, इनेमल। और मैंने बोला इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। फिर भैया हार्ड होगा किस चीज से बना होता है, याद रखिएगा इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। किससे बना होता है बेटा जी, कैल्शियम फोस्फेट से, और यही मदद करता है, हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो होता है उसके ब्रेकडाउन में मदद करता है कौन बेटा, इनेमल। सो दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक बातें हो गई किसके बारे में, इनेमल के बारे में, कि व्हाइट शाइनी पार्ट जो होगा टीथ का ये जो दिख रहा है इसी को इनेमल कहते हैं। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, किसी से बना होगा, कैल्शियम फोस्फेट से बना होगा, और हेल्प करता है इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। अब जब आप क्राउन से थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा कुछ इस तरह का, ये पार्टिकुलर रीजन कहलाता है बेटा जी, नेक रीजन। क्या होगा, नेक रीजन। ओके, तो जैसे ही इसके नीचे आएंगे दैट रीजन इज कॉल्ड एज द नेक रीजन। लेकिन बेटा जी यहां पे जब आप टीथ देखोगे इसके ऊपर ये कुछ येलो येलो पार्ट चढ़ा होता है, तो ये जो टीथ नेक पार्ट होगा टीथ का वो आपको नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि ये पार्शली या होली कवर्ड होता है बाय द गम, जो येलो पार्ट होता है देखिए ये नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि इट इज कवर्ड बाय गम, ध्यान से रख लीजिएगा, ये कवर्ड होता है गम के द्वारा। तो यहां ये होगा जी यू एम, जो किसको कवर्ड कर लेता है, नेक रीजन को। तो गम कवर्ड द नेक रीजन। ओके जी, तो हमको नेक रीजन विजिबल नहीं होता है, लेकिन हमको क्या विजिबल होता है, गम, जो ये पार्ट दिख रहा है जहां पे ये चढ़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज गम। तो ये नेक रीजन हमको नहीं दिख पाता है टीथ का, क्यों, क्योंकि इट इज कवर्ड बाय द गम के द्वारा। किसके द्वारा कवर्ड होगा, गम के द्वारा। तो ये क्राउन एरिया था, इसके बाद नेक। अब ये जो सबसे नीचे वाला इलाका होगा दैट इज कॉल्ड एज द रूट। तो सुनिएगा, जो यहां से नीचे का पूरा इलाका कुछ इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रूट। थोड़ा सा स्पेसिफिकली बना लें अच्छे से, इसको हम लोग बोलते हैं जो नेक के नीचे वाला रीजन होगा। तो यहां से यहां तक तो ये हो गया नेक रीजन, यहां से यहां तक। अब ये नेक रीजन के नीचे जितना भी रीजन है ये आएगा बेटा जी रूट। क्या आएगा, रूट। तो ये जो रूट है ये पूरी तरह से इम्बेडेड होगा किसके अंदर में, जॉ बोन के अंदर में। तो सेकेंड पार्ट जिसकी बात की हमने, पहला पार्ट तो हो गया क्राउन पार्ट का, जो होगा आउटर पार्ट जो होगा वो इनेमल होता है, जो कि इसके सारी विशेषताएं बता दी। और जो ये इनेमल होता है, इनेमल के जस्ट नीचे बीनीथ में ही एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं बेटा, डेंटाइन। तो इट इज आल्सो अ हार्डेस्ट पार्ट, लेकिन इनेमल से थोड़ा कम हार्ड होता है, जस्ट उसके नीचे ही पाया जाएगा, इनेमल के जस्ट नीचे, दैट इज कॉल्ड एज द डेंटाइन पार्ट। इतना आप क्राउन एरिया के बारे में लिख लीजिएगा। फिर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, नेक रीजन।
तो जब आप नेक को देखेंगे, नेक ऊपर क्या है, क्राउन, नीचे क्या है, रूट, बीच में क्या है, नेक। तो नेक वह रीजन है जो क्राउन को किससे जोड़ने का काम करता है, रूट से। तो लिख लीजिएगा ज्वाइंट बिटवीन क्राउन एंड रूट, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, ज्वाइंट है किसके बीच में, क्राउन एंड रूट के बीच में। लेकिन ये आपको दिखता नहीं है नेक, क्योंकि ये पार्शियली या होली कवर्ड होता है किसके द्वारा, होली ही कवर्ड होता है, पूरी तरह से कवर्ड होता है बाय द गम। एंड इट इज कवर्ड बाय गम रीजन, जो कि कैसा होगा बेटा जी, येलो वाला पोर्शन जो होता है उसी को हम लोग गम कहते हैं। नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, नेक एक कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करता है क्राउन को रूट से, और ये नहीं दिखता है, विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये कवर्ड होता है गम के द्वारा। और लिख लीजिए, गम बेसिकली कैसा दिखता है, किस कलर का होगा, येलो कलर का, जो येलो पार्ट विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज गम पार्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, दो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रूट। ये जो रूट है ये बेसिकली इम्बेडेड होगा, ये जो इसके नीचे वाला रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज जॉ बोन। ये जो होगी जॉ होगा, ये पूरा जो होगा जॉ के अंदर में पूरी तरह से इम्बेडेड होता है, और जॉ की जो बोन होती है जिससे ये जुड़ा होगा, ये जिससे जुड़ा होता है, जिस जॉ की जिस बोन से, उस बोन को बोला जाता है एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन। तो याद रखिएगा, ये जो रूट पार्ट है पूरी तरह से किसके अंदर धंसा होगा, तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखेंगे किस बोन के अंदर, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन के अंदर में घुसा होगा। तो लिख लीजिएगा, पार्ट ऑफ टीथ दैट इज इम्बेडेड, या विच इज इम्बेडेड मतलब एकदम घुसा होगा उसके अंदर में, विच इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो ये वाला पार्ट कहलाता है रूट। क्या कहलाएगा बेटा जी, रूट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। जो इनेमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, ये भी जो होगा हार्ड पार्ट ही होता है, ये इतना सॉफ्ट नहीं होता है, तो डेंटाइन इज आल्सो हार्ड पार्ट, ठीक है। ये जो डेंटाइन होगा बेटा जी, इसके अंदर में जब आप नीचे जाएंगे, तो ये जो डेंटाइन वाला पार्ट है, इट कंस्टिट्यूट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ओके जी। डेंटाइन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ये डेंटाइन ही कहेंगे। डेंटाइन बेसिकली कंटेन्स करता है अ कैविटी, जस्ट उसके नीचे ही पाई जाएगी जो डेंटाइन का ही पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द पल्प कैविटी। क्या कहेंगे बेटा, इसके अंदर में पल्प कैविटी पाई जाती है, और इस पल्प कैविटी में बेसिकली पाया जाता है बेटा तीन चीजें, एक होगा ब्लड वेसल, टिश्यू सप्लाई और नर्व्स की सप्लाई, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो रूट है, रूट जिस कैनाल के माध्यम से इसके अंदर में घुस रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड एज रूट कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, रूट कैनाल, यानी वह रास्ता जिसके माध्यम से वो अंदर में जा रहा है। तो रूट कैनाल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में आपके क्या पाए जाएंगे, उसी के अंदर से पास होके ब्लड वेसल्स, यहां से मान लीजिए इधर से ब्लड वेसल्स गई, ब्लड वेसल्स मान लीजिए किसी और कलर से बना लेते हैं, नर्व्स की सप्लाई भी होगी इसमें, हरे कलर से है,
नब्स, ओके, और रेड कलर से बना लीजिए। ब्लड वेसल हो गई, नर्व की सप्लाई हो गई, कुछ और टिश्यूज हो जाएंगी, कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। तो ये जो रीजन होता है जहां पे ये सारी चीजें पाई जाएंगी, ब्लड वेसल, नर्व्स और टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, ओके। और जिस माध्यम से ये अंदर में घुस रही है दैट इज कॉल्ड एज द रूट कैनाल। सो रूट कैनाल वो पैसेज है जहां से ये सारी चीजें ब्लड वेसल, नर्व्स और टिश्यू अंदर में जाएंगी, और पल्प कैविटी डेंटाइन के जस्ट नीचे वाला भाग है जिसके अंदर में ब्लड वेसल होंगी, नर्व्स होंगी और टिश्यू होगा। सो रूट कैनाल अगर कोई पूछे तो इट इज अ पैसेज। ये क्या है? एक कैनाल है जहां से आपकी क्या तीनों चीजें जा रही है, नर्व्स भी जा रही है, टिश्यू भी जा रही है, ब्लड वेसल्स भी जा रही है। तो नेक्स्ट दैट इज द रूट कैनाल। रूट कैनाल लिख लीजिएगा, इट इज द पैसेज। ये एक पैसेज है, इट इज अ पैसेज फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो ब्लड वेसल और नर्व्स जो आपके बेसिकली जॉ वाले पार्ट से अंदर में जाएगी, दांत के पार्ट में जाएंगी, ऑब्वियसली बेटा जो कैविटी होगी या पल्प कैविटी होगी, या सीधी सी बात है जो सेल्स होंगी आपके जो टीथ के होंगी, उनको भी क्या चाहिए? खाना। तो इन खाने को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू जाएगी, ब्लड वेसल्स ही जाएगा, कोई ना कोई नर्व सप्लाई जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे ही आप आइसक्रीम खाते हैं सेंसेशन होता है, ओह माय गॉड बहुत ठंडा है, तो ये मैसेज ब्रेन को जाता है। कैसे जाता है? ड्यू टू द सेंसेशन। ये जो सेंसेशन पहुंचता है वो नर्व्स की होगी सप्लाई, तभी तो जाता होगा। अगर मान लो वहां किसी की सप्लाई ही ना होगी तो खाते रहो, आग भी खा लो, कुछ भी खा लो, पता ही नहीं चलेगा, कोई सेंसेशन नहीं होगा। तो रूट कैनाल ये पैसेज है फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के लिए। अब जो पार्ट मैंने बोला दैट इज कॉल्ड एज द डेंटाइन, देखिएगा डेंटाइन को स्पेसिफिकली पढ़ लेता हूं। तो ये हार्ड सब्सटेंस होगा जो आपके जस्ट क्या होगा इनेमल के नीचे ही पाया जाएगा। सो लिखिएगा डेंटाइन इज द हार्ड सब्सटेंस, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे हार्ड है इनेमल। डेंटाइन इज द हार्ड सब्सटेंस जस्ट बीनीथ, जस्ट एकदम नीचे होगा, जस्ट बीनीथ द इनेमल, इनेमल के जस्ट नीचे ही होगा। और इसी डेंटाइन के नीचे आप देख रहे हो ये कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। कौन सी कैविटी है? तो डेंटाइन क्या कंस्टिट्यूट करता है? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में क्या होंगी? किसकी सप्लाई होगी? ब्लड वेसल्स की, नर्व्स की और टिश्यू की। सो बीनीथ द इनेमल एंड डेंटाइन कंस्टिट्यूट द मेन पार्ट ऑफ टीथ, द मेन पार्ट ऑफ टीथ विथ पल्प कैविटी। तो इसके अंदर में कौन सी कैविटी पाई जाएगी? पल्प कैविटी पाई जाएगी। और इस पल्प कैविटी के अंदर में क्या होगा? पल्प कैविटी विच कंस्टिट्यूट, जो क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है? ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल और टिश्यू, और किसकी सप्लाई होगी? नर्व्स की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डेंटाइन जो आपके इनेमल के नीचे है, डेंटाइन के अंदर में कौन सी कैविटी है? पल्प कैविटी, ओके, और पल्प कैविटी में ये तीन सप्लाई होती है, एक होगी ब्लड वेसल की सप्लाई, एक होगी नर्व्स की सप्लाई, और एक होगी बेटा जी किसकी सप्लाई बता दीजिए? टिश्यूज की कुछ सप्लाई, जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उनकी सप्लाई, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द टीथ। अब यहां तक करने के बाद इसको नोट डाउन करिएगा,
सुनिएगा, अब जब आप ध्यान से देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया तो इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ, थोड़ा स्पेस मिलेगा जहां पे मैं दो तीन चीजें और बता सकता हूँ। देखिए अभी जो रूट है, रूट के बाहर में, जैसे ये रूट है, रूट के बाहर की एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है सीमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंटम। तो ये जो रूट जो दिख रहा है, दिस इज द रूट, ये पार्ट जो यहां से लेके यहां तक जो बाहर वाला पार्ट है रूट, इसके ऊपर में भी एक कवरिंग होगी जो रूट की कवरिंग होती है, द रूट कवरिंग। ये जो रेड 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 डॉट से दिखा रहा है एकदम बाहर में, तो ये जो रूट की कवरिंग होती है इसको बोला जाता है बेटा सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। ओके जी, तो लिख लीजिएगा सीमेंटम किसको कवर करता है? कवर्स द रूट ऑफ द टीथ। देखिए सीमेंटम लिख लीजिएगा, कवर्स द रूट ऑफ टीथ। ओके, अब ये जो सीमेंटम है इसके बाहर में एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको बोला जाता है पेरिओडोंटल लिगामेंट। तो इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूं, हरे कलर से बना देता हूं। इसके बाहर में ये जो हरा वाला कलर से दिख रहा है, पूरा होगा, विजिबल है या दिख रहा होगा। सो जो सीमेंटम के जस्ट बाहर होगा एक और लिगामेंट पाया जाता है, सीमेंटम के जस्ट बाहर ये जो दिख रहा है इसको बोला पेरिओडोंटल लिगामेंट। पहला हुआ सीमेंटम, उसके बाहर पेरिओडोंटल लिगामेंट, और जो तीसरा बोन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एल्वियोलर बोन। और ये एल्वियोलर बोन कुछ नहीं है, ये पार्ट है जॉ बोन का जो होल्ड करता है टीथ को। ये एल्वियोलर बोन कौन सी बोन है? पार्ट ऑफ जॉ बोन विच होल्ड टीथ, जो टीथ को पकड़ के रखता है वो बेटा एल्वियोलर बोन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहला सीमेंटम, दूसरा पेरिओडोंटल लिगामेंट, और सबसे अंदर में या जिसके अंदर में ये घुसी होंगी दैट इज कॉल्ड एज द एल्वियोलर बोन। सो ये जो पेरिओडोंटल लिगामेंट है ये क्या है? तो ये जो पेरिओडोंटल लिगामेंट, ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जो अटैच करती है टीथ को टू द, या रूट ऑफ द टीथ को टू द एल्वियोलर बोन ऑफ जॉ। सो सेकेंड, दैट इज द, पहला ये था, दूसरा पेरिओडोंटल लिगामेंट। ओके, पेरिओडोंटल लिगामेंट जो इट इज अ स्पेशलाइज्ड, ये भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने का काम करेगी, विच किसको कनेक्ट करेगी, विच अटैचेस या विच अटैचेस रूट ऑफ टीथ टू द एल्वियोलर बोन ऑफ जॉ। ओके जी, तो ध्यान रखिएगा जो कनेक्ट करके रखेगी, जो बीच में आएगी सीमेंटम, आउटर कवरिंग है रूट की, ओके, उसके जस्ट बाहर में एक और कवरिंग होती है दैट इज द पेरिओडोंटल लिगामेंट, जो कनेक्ट करती है आपके रूट को टू द एल्वियोलर बोन या जॉ बोन से जोड़ने का काम करेगी। और एल्वियोलर बोन का मैंने पहले बता दिया, ये पार्ट है जॉ बोन का विच होल्ड द टीथ। सो लास्ट बोन दैट इज द एल्वियोलर बोन। पहले भी लिख दिया है, ये पार्ट है किसका? जॉ बोन का, पार्ट ऑफ जॉ बोन विच होल्ड्स टीथ।
जो टीथ को होल्ड करने का काम करेगी। तो ध्यान रखिएगा जो रूट की बाहर वाली कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज सीमेंटम, देखिए सबसे बाहर वाली कवरिंग सीमेंटम, उसके बाहर में भी एक क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू होती है दैट इज द पेरियोडोन्टल लिगामेंट, जो कनेक्ट करेगी रूट को टू द एल्वियोलर बोन। लास्ट में क्या होगा जॉ बोन जिसमें ये फिक्स्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द एल्वियोलर बोन, इज बेसिकली पार्ट ऑफ द जॉ बोन। तो अगर मैं इन चीज तीनों को एक जगह पे कहीं पे दिखाऊं, इसका पहले आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा, सुनिएगा। देखिए अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह का पार्ट है, देखिएगा सिंपल सी बात है, सबसे बाहर ये जो रूट है कुछ इस तरह का है, देखिएगा ऐसे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये था रूट, रूट के बाहर वाली कवरिंग जो होगी इसको हमने क्या बोल दिया सीमेंटम, सीमेंटम के बाहर में भी एक लिगामेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है, इसको क्या बोल दिया पेरिओडोंटल लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है। और जो ये जॉ है, जॉ की जो बोन है ये जो ये वाली दिख रही है जिसके अंदर में ये अटैच होगा, तो ये कौन सा पार्ट होगा बेटा एल्वियोलर बोन जिसके अंदर में ये घुस के बैठा हुआ है, अटैच है। नोट डाउन करेंगे दिस इज ऑल अबाउट बेटा किसके बारे में है, टीथ के बारे में है, ह्यूमन टीथ के बारे में है। चलिए बेटा जी हम ह्यूमन टीथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है वो किस प्रकार का होता है। तो बेसिकली तीन प्रकार का मैं बोल सकता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इसको आप जब आप आर्टिकल पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए जो सबसे पहले जो ह्यूमन टीथ होता है उसको हम लोग डाइफायोडोंट टीथ भी कहते हैं, कौन सा टीथ डाइफायोडोंट टीथ, डाई मतलब हुआ बेटा दो, यानी अगर आप देखेंगे आप और मैं या कोई भी हो हमारी लाइफ सर्किल के अंदर में दांत दो बार आता है, एक बार तो जो टीथ आते हैं स्पेशली जिनको इनिशियल डेज ऑफ लाइफ में आएंगे यानी कि जब बच्चा छोटा होगा तो कुछ दांत हिल हिल के टूट भी जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी टीथ और द मिल्क टीथ। ओके जी, जो स्टार्टिंग और इनिशियल डेज में आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी और मिल्क टीथ, नंबर में कितने होते हैं 20। फिर ये जो टूटते हैं फिर ये उग भी जाते हैं, उग नहीं जाते यानी आ भी जाते हैं वापस, जो नेक्स्ट जो टीथ आएंगे वो परमानेंट टीथ होंगे, अगर जो एडल्ट होगा उसके अंदर में ये टूटेगा तो फिर नहीं आएगा क्योंकि परमानेंट टीथ। जो डेसीडुअस टीथ होगा मिल्क टीथ होगा वो अगर टूट गया तो वो आ जाएगा जो आप बचपन में रहेंगे, लेकिन जब आप एडल्ट होंगे तो एडल्ट के अंदर में जो टीथ होगा दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टीथ। तो हमारी लाइफ सर्किल की बात करेंगे तो एक तो हुआ डेसीडुअस और मिल्क टूथ या टेम्पररी टूथ जो नंबर में 20 होते हैं, और जो लास्ट में जो एडल्ट में पूरी तरह से सारा टूट के बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टीथ जो कि नंबर में 32 आएगा। तो बेटा जी जो पूरा अगर देखें हमारी लाइफ सर्किल में तो दो सेट ऑफ टूथ आया, एक आया टेम्पररी टूथ या मिल्क टूथ जो बचपन में आता है और दूसरा जो जवानी में आएगा वन सेट ऑफ परमानेंट टीथ 32 जो कब आएगा बेटा जब आप एडल्ट हो जाएंगे तब आएगा। तो ऐसे प्रकार के डेंटेशन को बोला जाता है डाइफायोडेंट, दो प्रकार के टीथ। देखिए सो ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ इन इट्स लाइफ साइकिल, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइफायोडोंट। पहला होगा वन सेट ऑफ टेम्पररी टूथ या मिल्क टूथ जो बचपन में आता है होते हैं नंबर में 20, और वन सेट ऑफ परमानेंट टीथ जो बेसिकली 32 होगा एडल्ट में होगा। सो अ सेट ऑफ टेम्पररी टीथ हमारे अंदर में क्या हो रहा है टेम्पररी टीथ रिप्लेस होके परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है, अ सेट ऑफ टेम्पररी टीथ इज रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ इन एडल्ट, सच टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज डाइफायोडेंट। तो हमारे अंदर में भी दो बार टीथ आता है तो हम कह सकते हैं गर्व से कि हम क्या बेटा डाइफायोडोंट। फिर सेकेंड जो हमारे अंदर में टीथ होता है उसको हम लोग थीकोडोंट टीथ भी कहते हैं। अब ये थीकोडोंट टीथ, देखिए दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर उसका टीथ
पूरी तरह से अच्छी तरह से, ये मान लीजिए ये जॉबोन है, इसके अंदर में ऐसे घुसा हुआ है, एकदम इसके अंदर में घुसा हुआ है, देन सच टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज थीकोडोंटिक। ऐसे टीथ को बोला गया थीकोडोंटिक, यानी ईच टीथ इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉबोन, जो जॉबोन है उसके अंदर में एकदम अच्छे से घुसा हुआ है, तो इस प्रकार के टीथ को बोला जाता है थीकोडोंटिक। सो ईच टीथ इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉबोन, दिस टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज थीकोडोंटिक। तो डाइफायोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया। तीसरा, अगर हम बात करेंगे, हमारे जो टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे माउथ के अंदर में, यानी जो ये बेसिकली जॉबोन है, इसके अंदर में चार अलग अलग प्रकार के टीथ लगे होते हैं। पहला होगा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मीडियल से यहाँ से दिखते हैं, यहाँ से पहला होगा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर्स। सो चार अलग अलग प्रकार के टीथ भी पाए जाते हैं। तो अगर एक प्रकार का पाया जाता तो होमोडोंट बोलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार का पाया जाता इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। सो एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन्स फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, कौन कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो ऐसे वाले को बोला गया कि बेटा इनमें क्या होगा, जो टीथ है वो कैसा है, हेट्रोडोंट है। तो हमने एक जगह लिख दिया कि जो ह्यूमन टीथ है ये किस क्या कौन कौन से टीथ हो सकते हैं या क्या क्या नाम दिया जा सकता है। पहला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोंट टीथ, यानी एक तो आएगा क्या टेम्पोररी टीथ और दूसरा होगा परमानेंट। दूसरा थीकोडोंट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से किस में घुसा हुआ है, जॉबोन में। या ह्यूमन टीथ को हम हेट्रोडोंट भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि चार अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन में। तो मैंने लिख दिया ह्यूमन टीथ कैसा है, डाइफायोडोंट टाइप का, थीकोडोंट टाइप का और हेट्रोडोंट टाइप का। मेन जो फंक्शन है आपका टीथ का, तो जो बाहर वाला सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द इनेमल, या हार्ड सब्सटेंस है या हार्ड सरफेस होता है इसका, और हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द एनिमल वर्ल्ड है बेटा। ये बेसिकली मदद करता है क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल और मेस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल में मदद करता है, यानी कोई भी चीज आप खाते हो उसको छोटे छोटे पार्ट में एकदम क्रश करके, ग्राइंड करके बनाने का काम होता है किसका, टीथ का। सो द हार्ड चीविंग सर्फेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल दैट हेल्प इन क्रशिंग और मेस्टिकेशन ऑफ फूड। नोट डाउन करेंगे या स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बेटा जी, अब हम पढ़ लेते हैं टूथ डिके या डेंटल कैरीज, यानी बेटा ये जो दांत जो है ये टूटते क्यों है। बेटा जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, बेटा ज़्यादा लॉलीपॉप ना खाओ, ज़्यादा चॉकलेट ना खाओ, क्यों, क्योंकि दांत क्या हो जाएंगे, दांत के अंदर में कैविटी हो जाएगी, बदमाश तुम समझते नहीं हो। तो ऐसा क्यों कहते थे, ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि बेटा जी जब कभी भी आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और ये बैक्टीरिया एक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और बेसिकली अगर बोले लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से आपका इनेमल, पल्प या डेंटाइन के अंदर में छेद हो जाता है, और ये जब छेद हो जाएगा तो आपका दांत खराब हो जाता है, इसी को हम लोग, या दांत टूट के गिर जाता है, निकल जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, यानी कि छोटी छोटे कैविटी या होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, किसकी वजह से, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जैसे एक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, या लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, और आप दांतों को अच्छे से केयर नहीं कर रहे दांतों का, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेंटल कैरीज। इम्प्रॉपर डेंटल केयर का मतलब देखिए, आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ब्रश करिए, तो ब्रश करेंगे तो जो चीज़ें जो आपके दांत में चिपकी होंगी वो बाहर निकल आएंगी, तो उसके ऊपर ग्रोथ बैक्टीरियल नहीं हो पाएगी। तो जब आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो उसी के ऊपर चिपके रहेंगे, बैक्टीरिया आएंगे, लगेंगे, होल क्रिएट होगा, टीथ टूट के गिर जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज। अब सुनिएगा, डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेस, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था आपका, बेसिकली अगर बोले तो हार्डेस्ट सब्सटेंस टीथ का था इनेमल, उसके नीचे और हार्डेस्ट सब्सटेंस था डेंटाइन,
तो ग्रेजुअली क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जब एक्यूमुलेट होता है तो कुछ एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये एसिड धीरे 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 जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है यानी इनेबल इनेमल डेंटाइन, इनको क्या कर देता है बेटा, सॉफ्ट कर देता है, फिर दांत हिलने लगता है और 2-3 दिन बाद ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा। सो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, यानी धीरे धीरे यहाँ पे जो इनेमल होगा डेंटाइन होगा वो क्या होगा बेटा जी, काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। इट बिगेंस व्हेन, ये कब होगा, जब बैक्टीरिया, इट बिगेंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर। देखिए जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं उनमें सुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है जी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा, बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है ले लें तो ग्लूकोज, इट इज आवर सुगर। तो जब आप सुगर खाते हो तो इस सुगर के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है और एक साइकिल चलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस, 11th में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो पाइरूवेट बनेगा, देखिए ग्लूकोज जो एक सुगर है, ये बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने अंदर में ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चलाई, क्या बना लिया, पाइरूवेट। फिर इस पाइरूवेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कन्वर्ट कर देगी इस पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में, किसमें बेटा, लैक्टिक एसिड में। और यही लैक्टिक एसिड हमारे दांतों के ऊपर इकट्ठा होने लगता है, यानी इनेमल को डेंटाइन को सॉफ्ट कर देता है और वो बाद में टूट जाते हैं। सो मैंने जो बोला इट बिगेंस व्हेन, यानी ये कब होगा, व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर, सुगर मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा है, प्रोड्यूस एसिड, क्या बना रहा है लास्ट में, एसिड। देखिए किसके ऊपर काम कर रहा है, सुगर के ऊपर, लास्ट में क्या बना रहा है, एसिड। तो वही कह रहा है इट बिगेंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर, ये जब सुगर जो हम खाते हैं अपने डाइट में वो आपके दांतों में फंस कर रह जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेगा और उसको तोड़ देगा, किसमें बेटा, एसिड को बनाएगा, एंड प्रोड्यूसेस एसिड, यानी सुगर से क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड दैट सॉफ्टन, जो बेसिकली क्या करता है, जो मिनरल डिपोजिट हुआ था एनिमल के अंदर में जिसकी वजह से वो हार्ड था, कैल्शियम फॉस्फेट, अब ये धीरे धीरे इनका कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ही उनकी हार्डनेस थी, जब वही कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी। नाउ अ टर्म दैट इज गिवन या समटाइम आस्क पूछा जाता है, डेंटल प्लेक, व्हाट इज दिस डेंटल प्लेक। सो सुनिएगा, डेंटल प्लेक का मतलब क्या होता है, इधर वाला आप नोट डाउन कर लीजिए फिर उसको समझा देता हूं। सुनिएगा, बेसिकली डेंटल प्लेक का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनिएगा, डेंटल प्लेक का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका टीथ है, ओके जी, सपोज ये आपका टीथ है, जब आपने खाना खाया तो यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल चिपक के रह गया, मान लो फूड पार्टिकल कोई भी, यहाँ पे थोड़ा सा फूड पार्टिकल चिपक के रह गया, ठीक है, और इसके ऊपर जैसा ही फूड पार्टिकल दिखेगा कौन दौड़ के आएगा, बैक्टीरिया दौड़ के आएगी। तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया दौड़ के आई है, इधर से बैक्टीरिया दौड़ के आई, इसके ऊपर उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो जो कॉम्बिनेशन होगा ना बेटा जी, फूड पार्टिकल का और बैक्टीरिया का, किसका मैंने बोला, फूड पार्टिकल के ऊपर लगेगी जब बैक्टीरिया या मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, मासेस ऑफ बैक्टीरिया, तो इसी को बोला जाता है डेंटल प्लेक, क्या बोलेंगे बेटा जी, डेंटल प्लेक, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो डेंटल प्लेक का मतलब क्या हुआ, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, बहुत सारी बैक्टीरियल सेल का मास टुगेदर विथ फूड पार्टिकल, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ, और ये
कहाँ चिपका हुआ है बेटा जी, किसके ऊपर चिपका हुआ है, स्टिक हुआ है किसके ऊपर, टीथ के ऊपर चिपका हुआ है, तो ये बना लेता है डेंटल प्लेक। और ये डेंटल प्लेक यानी सिर्फ सिंपल सी बात है बेटा, जब कभी भी आप ब्रश व्रश अच्छे से नहीं करते हो ना, तो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं। तो ये पीले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली जो फूड आइटम्स है वो बेसिकली किसके द्वारा फर्टिलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और एसिड बनाया जा रहा है। तो पूरी तरह से आपके चारों तरफ जो दांत कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। दैट पीलापन ऑफ दांत, सिंपल से सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल प्लेक। क्या बोलेंगे, डेंटल प्लेक। सो डेंटल प्लेक क्या होगा, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल प्लस फूड पार्टिकल जो चिपका होगा कहाँ पे, टीथ के ऊपर, उसी को डेंटल प्लेक कहते हैं। और जो आपका डेंटल प्लेक के आसपास जब होगा आपको, तो बेसिकली जो टीथ होगा वो येलो कलर का दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल प्लेक। तो बेटा जी आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर मान लीजिए हम समझ रहे हैं कि बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया और एसिड की वजह से हमारा दांत खराब हो रहा है, तो सर सलाइवा जो निकलता है कहाँ से, सेलिवरी ग्लैंड से, वो भी तो आपके बकल कैविटी में है, वो तो अल्कलाइन नेचर का होता है, हम पढ़ेंगे सलाइवा इज अल्कलाइन इन नेचर। तो सर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास में ही सलाइवा जो कि अल्कलाइन है, यानी वो सलाइवा की बात करेंगे वो बेसिक होता है नेचर में, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक है, तो बेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पाता है। तो सुनिएगा, ये जो सलाइवा होता है चीक से निकलता है और हमारे टंग के आसपास वाले ही रीजन में रह जाता है, वो टीथ के अपर पार्ट तक या इनेमल तक नहीं आ पाता है, तो इसकी वजह से कभी भी वो टीथ के पोर्शन पे नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पे बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, तो भैया वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहाँ एसिड ज़्यादा होता है और आपका टूथ डिके होता है। ध्यान रखिएगा सलाइवा जो कि नेचर में कैसा है, अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा, कैन नॉट रीचेस टू द टीथ सरफेस, वो टीथ सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाएगा तो टू न्यूट्रलाइज द एसिड, वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अगर पहुंच जाता जो सलाइवा आपके टीथ के नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा आपके कहाँ रह जाएगा, बेसिकली टीथ के नीचे वाले पोर्शन पे रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब नहीं जा पाएगा तो वहां पे नेचर हमेशा एसिडिक रहेगा, और एसिडिक रहेगा तो हमेशा क्या होगा बेटा, होल क्रिएट होगा, और होल क्रिएट होगा तो टूथ क्या होंगे, डीके होंगे ही होंगे। तो पूछता है कि भैया वहां पे तो सलाइवा भी है, सलाइवा तो अल्कलाइन होता है, अब मान लीजिए एसिड तो बन रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, तो इस एसिड को सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो कहेंगे नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि बेटा जी सलाइवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो सलाइवा दैट इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, कैन नॉट रीचेस टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एज दिस प्लेक कवर्स द टीथ एंड हेंस टूथ डिके सेट इन, यानी जो प्लेक है वो चारों तरफ से घेर लेता है किसको बेटा, आपके टीथ को, और टीथ कमजोर पड़ के गिर जाता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ब्रशिंग ऑफ टीथ, यानी डेली हम लोगों को ब्रश करना चाहिए खाने के जस्ट बाद, ताकि प्लेक जो हो, जो बैक्टीरिया उस पे बैठ रहे हैं वो रिमूव हो सके। सो ब्रशिंग ऑफ टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स प्लेक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। तो ध्यान रखिएगा, एसिड बनाने से पहले ही आपने ब्रश कर दिया तो बैक्टीरिया वहां से रिमूव हो जाएगा, कभी भी डेंटल प्लेक नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने इसको क्योर नहीं किया, इफ अनट्रीटेड, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करके चले जाएंगे अंदर में, पल्प कैविटी में चले जाएंगे, कजिंग देयर इन्फ्लेमेशन, यानी वहां पे कभी कभार आपका दांत फूल भी जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और कभी कभार इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक कॉमन इन्फेक्शन जो आप पढ़ते होंगे, सुना होगा, पायोरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पायोरिया, पायरिया भी बोलते हैं अगर हिंदी में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द पायोरिया या पायरिया। ये पायरिया जो होता है बेसिकली कब होता है, सुनिएगा, जो पेरीओडोंटल लिगामेंट था, या फिर अगर याद होगा आपको एल्वियोलर बोन था, उसके अंदर में डिजीज हो जाए, क्या हो जाए बेटा, उसके अंदर में इन्फेक्शन हो जाए,
कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बेसिकली कहाँ मैंने बोला पेरी ओडोंटल लीगामेंट, यही तो था जो कनेक्टिव टिश्यू था, और दूसरा मैंने क्या बोला था एल्वियोलर बोन जो आपकी जॉ बोन थी। तो अगर इन दोनों के अंदर में इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से जो डिजीज होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड, कभी कभार देखा होगा कि आपके दांतों में से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड जो आता है दांतों में से वो किस रोग में आता है पायरिया में, ब्लड इज कमिंग या ब्लड इज बेसिकली सीक्रेटेड, या अगर बात करें ब्लड बेसिकली इजेक्ट आउट होता है ड्यूरिंग दिस पायरिया, सो लॉट्स ऑफ ब्लड कम्स फ्रॉम टीथ, बहुत ज्यादा ब्लड आपके आने लगता है इस पायरिया के केस में, तो बेसिकली होता है बेटा विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, अगर आप विटामिन सी को खा लोगे तो फिर से पायरिया को ट्रीट किया जा सकता है। सो जब पायरिया भी एक डिजीज है जो आपके डेंटल कैरीज में आ सकती है, क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, कहाँ पे पेरियोडेंटल लिगामेंट में या एल्वियोलर बोन में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड आपके टीथ से बाहर आने लगता है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा जी पायरिया। अब पायरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो इट में लेड टू द जिंजिवाइटिस, एक और होता है जिंजी, देखिए ये आप में दे नहीं रखा है लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी कभार पूछ ले जिंजिवाइटिस, जो झंझनाहट होता है ना, प्रचार देखा होगा कि मसूड़ों में झंझनाहट हो रही है, तो उसी को बोलते हैं जिंजिवाइटिस, तो ये भी एक प्रकार का डिजीज है जो आपके टीथ में हो सकता है। यहाँ तक आपका पूछा जा सकता है, ये कुछ मैंने बता दिया एडवांस में, ताकि कभी अगर कोई पूछे कि पायरिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू द किससे, तो टीथ बताइएगा, जिंजिवाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू द टीथ ऑल्सो। तो दोस्तों आपको ये अगर लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो, बेनिफिशियल लगा हुआ है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर दबा के करते रहें। थैंक यू।